नमस्कार दोस्तों, मैं डियर पाल आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इसरो का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टेक्नीशियन बी का पेपर। ये पेपर आईपीएससी महेंद्रगिरी का है, तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ सीधे क्वेश्चन पे। ये पेपर 28 अगस्त 2016 को हुआ था। इसका फुल सॉल्यूशन मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज के तीसरे हार्मोनिक की आवृत्ति होगी, तीसरा हार्मोनिक होगा तो ये होगा, पहला यप है तो तीसरा हो जाएगा 3 यप। थ्री यप का मान है 50, बराबर आ जाएगा 150 हर्ट्ज। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 VRMS एक साइन वेव के शिखर से शिखर वोल्टता क्या है? तो इसमें देखते हैं हम, VRMS बराबर होता है, VRMS बराबर VRMS बराबर Vm बाई रूट टू। RMS बराबर Vm बाई रूट टू, सबका मान रख देंगे। तो VRMS का मान दिया है 2 वोल्ट, बराबर Vm बाई रूट टू, बराबर आ जाएगा Vm बराबर 2√2। तो Vm बराबर आ गया 2×1.414, बराबर हो गया 4×2 = 8, 2 = 8, Vm बराबर 2×1.414, बराबर हो गया 8.28.2। पीक टू पीक वोल्टेज होगा 2 Vm, क्योंकि कोई तरंग ये एक साइन वेव दी है, शिखर से शिखर मान, इधर Vm होगा या इधर Vm बराबर 2 Vm। तो दिया है हमें Vm बराबर 2.8, तो 2 Vm बराबर 2×2.828, बराबर आ गया 5.656 V P2P। तो इसलिए इसका विकल्प नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वैद्युत धारा का सूत्र है, वैद्युत धारा V बराबर होता है IR, ये फार्मूला देखिए। तो इसमें लिखा है V बराबर IR,
तो आई बराबर हो जाएगा वी अपान आर। तो इसका विकल्प नंबर ए सही है, वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्रृंखला में जुड़े दो संधारित्र का कुल प्रभावी धारिता क्या है? तो वन अपान समांतर में जुड़े होते हैं तो सी बराबर होता है, श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो सी बराबर होता है सी वन गुणे सी टू बटे सी वन सी टू। तो मान रख देंगे सबका, सी वन का मान 0.25 गुणे 0.25 बटे 0.5, 25 दूनी 50 आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 0.125, यानी विकल्प नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तार कुंडलित प्रतिरोधक में प्रयुक्त होने वाली आम सामग्री होती है मैग्नीन, आम सामग्री मैग्नीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीना डायोड का प्रयोग सबसे अधिक इस्तेमाल होता है, जीना डायोड का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है पावर सप्लाई सर्किटों में, पावर सप्लाई सर्किटों में, यानी डी यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न प्रदर्शित आकृति का योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व है। ये है एक वोल्टेज फॉलोअर, वोल्टता अनुगामी, यानी आपन नंबर डी, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसको ग्राउंड कर देगा, इधर एक फीडबैक दे देगा और इधर एक रेजिस्टेंस लगा देगा और इधर वी इन आ जाएगा, वी इन। ये होता है इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, ये एक ओप एम्प आ जाएगा, इसमें इसको ग्राउंड कर देगा, इधर एक फीडबैक रेजिस्टेंस दे देगा, इधर फीड रेजिस्टेंस लगाने के बाद इसमें वी इन दिखेगा, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये है नॉन इन्वर्टिंग। नेक्स्ट, तो इसका सही है विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न आकृति में यक्ष का मूल्य पता करें। एक सर्किट दे रखा है, स्रोत के आवृत्ति 1 किलो हर्ट्ज है, अगर संधारित्र मूल्य इतने माइक्रोफ़ारड बदलता है तो संधारित्र का मूल्य क्या होगा? तो इसका फार्मूला दिया है, यक्षी बराबर होता है 1/2 पाई Fc। सबके मान रख देंगे, 1 का मान 1 है, 2, पाई का मान 3.414, 3.6,
4 × 4 3.414, और फ्रिक्वेंसी दे रखा है 1 kHz, 1 kHz, और फैराडे का मूल्य है संधारित्र का 0.01 माइक्रो यानी 10⁻⁶। आगे हल करेंगे 1/2 × 3.114 10⁻³ × 0.01⁻⁶। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 31.8, यानी विकल्प नंबर Xc = 1/2 πfc। सबका मान रखने से 1/2 π f का मान 1K एंड 0.01 माइक्रो सबका मान रखते हो 2π 1/2 π 1K गुणे 0.01 10⁻⁶। 3 से -3 बचा और इसका आ जाएगा 100, तो यह जाएगा इसके साथ में होने से ये हो जाएगा 5, ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 100 × 10³ / 2π, तो आ जाएगा 50 / π × 10³ इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1.59 ये आएगा 15.9K। तो इसलिए विकल्प नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत धारा प्रवाह है, इलेक्ट्रॉनों से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थित वोल्टता के सरल डीसी परिपथ में यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा V = IR, यदि वोल्ट R बढ़ेगा तो धारा कम होगी, I डिक्रीज होगी, यानी कि विकल्प नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक कुंडली में प्रेरित ईएमएफ का परिमाण फ्लक्स ग्रंथिता के परिवर्तन की दर से सीधे आनुपातिक, इसे हम जानते हैं किसे, फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से तो E = (n d ϕ)
आई बटे डी टी। एक कुंडली के प्रेरित ईएमएफ का परिणामी फ्लक्स ग्रंथि के परिवर्तन के दर के सीधा सीधा समानुपाती है। ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है डी फाई अपॉन डी टी के, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है चुंबकीय फ्लक्स को इसके माध्यम से संचालन करने में सामग्री की क्षमता को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं हम चुंबकशीलता। परमिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका सही है बी, 12वां का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चुंबक की लोहे की पट्टी के चुंबकीय क्षेत्र को जब कठोरता से गर्म किया जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कमज़ोर चुंबक ये कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि इसमें लोहे की पट्टिका में जो डोमेन होते हैं वो पास पास ना होकर दूर दूर हो जाते हैं, जिससे कि ये दूर दूर हो जाते हैं जिससे कि ये कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, जब कोई ये परिनालिका है इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एक समान होगा, कैसा होता है, एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक श्रृंखला समांतर परिपथ का उदाहरण है, ये क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर ए सही है, ये श्रेणी में हो गए और ये समांतर में हो गया, इसमें दोनों समांतर में हैं इसलिए ये गलत है, इसमें ये एक है केवल श्रेणी में है इसलिए गलत है, इसमें दोनों श्रेणी में है इसलिए गलत है, तो इसका विकल्प नंबर ए सही है, विकल्प नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में है विद्यमान परमाणु में सरलतम प्रकार का परमाणु होता है वो होता है पहला एटॉमिक नंबर यानी हाइड्रोजन, वो होता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लक्स ग्रंथि का के बराबर होती है ई बराबर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एन अपान डी फाई अपान डी टी, किसके नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखेंगे फ्लक्स गुना फेरों के कोडित लंबाई के नहीं नंबर ऑफ टर्म्स, यानी डी सही है, फ्लक्स गुना कोड के फेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिरोध के माध्यम से संधारित्र को चार्ज का अनुगमन होता है, ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रो एम्पियर 746 741 संकेतना प्रवर्धक का एम्पलीफायर सी एम आर आर होता है किसके, ये होता है 90 dB के, यानी विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में है
पूर्ण तरंगी दृष्टकारी के लिए निर्गत आवृत्ति किसके होती है, तो इसकी होती है पूर्ण तरंग की 2f, तो यानी दुगुने के बराबर। कैसी होगी? दुगुने के, हाफ की होती है f, तो वो होता है 1 गुना, यानी इसका विकल्प नंबर सी, 20वां का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्ध तरंग तरंगी दृष्टकारी परिपथ की औसत डीसी वोल्टता शिखर निवेश वोल्टता के मूल्य के कितने पर होगी? तो होता है VDC बराबर VM बाई पाई, सबके मान रख देते हैं, लेकिन ये इनपुट निवेशता, तो इसमें 2 साइकिल हो जाएंगी, एक ऊपर वाली नीचे, तो इसका VM इसका VM 2VM हो गए, तो सबके मान रख देते हैं, तो VM का मान 2m का मान हो जाएगा 31.8%। bm का मान पीक टू पीक मान लो 2 bm का मान है, VDC अर्धचालक का VM अपान पाई होगा, तो इसमें सबका VM का मान 100 मान लेते हैं, 100, पाई का मान होता है 3.141, तो ये आ जाएगा 31.8, यानी विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नीचे दिए गए संकेत का कौन सा प्रतिरोध तरंग का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब इन्वर्टेड वेव फॉर्म, इसका उल्टा कौन सा है? इसका उल्टा है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निश्चित आयतन कंटेनर में गैस को गर्म किया जाता है तो गैस पर परिणामी दाब क्या होगा? बढ़ता है, क्योंकि उसके अणु हीट लेके फोर्स को बढ़ाते हैं, खुला होंगे, तो इसलिए ये सब फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी इसका सही है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्व ए वाला एक घनत्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना? 6a, कितना होता है? 6a, ये घनत्व बना है, इसमें 6 फलक हो गए। तो एक हो गया वर्ग, तो इस एक वर्ग के क्या होगा? ए स्क्वायर, एक का वर्ग एक वर्ग के हो गए ए स्क्वायर, इसमें 6 वर्ग हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर, यानी कि विकल्प नंबर सी सही है, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है,
निम्नलिखित में कौन सा बैटरी की रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा बैटरी की रेटिंग के रूप में वर्गित किया जाता है? तो सबसे पहले इसमें देखना है हमें क्या बैटरी में क्या होगा। एक तो आंतरिक प्रतिरोध होगा, दूसरा उसमें वोल्टेज होगा, तीसरा एम्पियर होगा। तो ये इसमें हम तीन देखते हैं, तो ये विकल्प नंबर सी, आंतरिक प्रतिरोध, वोल्टता, एम्पियर, घंटे, यानी विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोलनदर्शी का उद्देश्य उपयोगकर्ता को किसका आलेखी प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? वो होता है वोल्टेज अपान टाइम, यानी ए, इधर ये टाइम रहता है, ये वोल्टेज रहता है, और ये रन करता है, तो वोल्टेज आ जाएगा, ये टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एक परिपथ की शक्ति गुणांक के बराबर होता है, इसका होता है वी आई कॉस फाई। तो आप देखिए कॉस फाई, तो इसमें केवल गुणांक फैक्टर ये है, यानी कि कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 480 वोल्ट एसी पर निर्धारित उर्वांतिक विद्युत उपकरण का निष्पादन परीक्षण किया जाता है, तब हम किस प्रकार के दस्ताने की आवश्यकता होती है? तो निम्न वोल्टेज दस्ताने की आवश्यकता होती है, जो निम्न वोल्टेज, उच्च वोल्टेज के लिए तो जब एचटी लाइन में काम करेंगे तो उच्च प्रकार की होगी, चमड़ा से कोई लेन देन नहीं है, सूती लाइन है, इसका कुछ लेन देन नहीं है, ये निम्न वोल्टेज दस्ताने पहन के हम काम कर सकते हैं, यानी विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में किसे छोड़कर रख रखाव गतिविधियों के क्रियान्वित करने के लिए समानता पीपी का इस्तेमाल किया जाता है? सामान्य पीपी का इस्तेमाल किया जाता है, वर्क परमिट को छोड़कर। वर्क परमिट में क्या है, वर्क परमिट को छोड़कर बाकी सब का उपयोग किया जाता है। वर्क परमिट एक प्रकार का लिखित दस्तावेज होते हैं, जिसमें हम काम कराने की सभी वो लिखी रहती हैं क्रियाएं, कि हमें किसका कौन कौन सी पीपीई का यूज करना है, वहाँ पे सेफ्टी बेल्ट लगाना है कि नहीं, हाइट जॉब है, लांग ये कैसा है, ये वर्क परमिट हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में दिखाए गए रिले संपर्क है, ये कैसा है, सिंगल पोल, सिंगल थ्रो, ये है विकल्प नंबर बी सही है, विकल्प नंबर बी सही है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। अगर जो यही ऐसे होता और सिंगल पोल डबल थ्रो हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, दिखाए गए बिजली की आपूर्ति में आर एल के आर पार में निर्गम का तरंग स्वरूप है, यह है विकल्प नंबर ए, ये तो फुल वेव का हो गया, जिसमें विदाउट फिल्टर के, और इसमें ये सी फिल्टर लगा है, ये तो आधे का हो गया,
ये फुल ब्रिज रेक्टिफायर, ये हाफ वेव रेक्टिफायर, नीचे वाला हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाक्षी केबल का लक्षण क्या है? कोरेक्शल केबल, कोरेक्शल केबल में चार होते हैं, ये कोर हो गया, कॉपर वायर, फिर ये इंसुलेटर हो गया, फिर ये मेश हो गया, फिर इंसुलेटर हो गया। तो पहले है चालक इंसुलेटर, चालक इंसुलेटर कोएक्सियल केबल में। तो इसमें पढ़िए, इसके केंद्र में चालक है जो विद्युत रोधी को अवतरित है, इसके बाद गुंथित या ठोस बाहरी चालक है और तथा बाद में रोधक है। तो इसका विकल्प नंबर बी सही है, मैं दिखाया ना आपको। ये हो गया चालक, ये इंसुलेटर, फिर ये मेष जाली चालक, फिर ये इंसुलेटर, इसलिए विकल्प नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस परिनालिका में प्रयोग किए जाने वाला स्प्रिंग का प्रकार क्या है? ये स्प्रिंग संपीड़न की अवस्था में है, कैसा है? संपीड़न की अवस्था में, तनाव में होता तो ये तनाव में होता तो दूर दूर होता, और संपीड़न की अवस्था में पास पास है, इसलिए ये संपीड़न की अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, यानी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैटरी के ऋणात्मक से धनात्मक लीड को जोड़ने पर उत्पादन होता है किसका? शॉर्ट सर्किट का। यह एक बैटरी लगा दी, ये प्लस है और ये माइनस, एक का हो गया पूरा शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में यदि दो प्रतिरोधों को रखा जाता है तो अंतिम प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि R बराबर होगा R1 प्लस R2। कैसा होगा? ये दोनों प्रतिरोधों से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रतिरोध का समान मूल्य नहीं है? कौन सा नहीं है? इसका समान मूल्य डी नहीं है, डी समान मूल्य नहीं है। यदि धारिता के एक छोटे मूल्य को एक बड़े मूल्य के समांतर में जोड़ा जाता है तो कैसा होगा? ये भी इसका सी इक्विवेलेंट उच्चतम होगा, सी इक्विवेलेंट उच्चतम होगा, क्योंकि समांतर में सी इक्विवेलेंट बराबर होता है C1 प्लस C2, इसलिए ज़्यादा होगा। काले रंग में दिखाए गए प्रतिरोध को क्या कहेंगे हम? लोड रेजिस्टेंस कहेंगे, क्या कहेंगे? लोड रेजिस्टेंस, क्या कहेंगे? लोड रेजिस्टेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल 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 स्वर्ण रंग बाण में प्रतिरोध का मूल्यांकन है, तो इसको होता है बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वाइफ। तो ब्लैक ब्राउन रेड, रेड का मतलब तीन, फिर रेड है तो इसका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये होता है। तो इसको हल करेंगे तो रेड रेड का 2 दे रखा है, फिर 2 है, फिर के का मान 2 रेड दिया है तो रेड हो गया, यानी 10 की पावर 2। नेक्स्ट स्वर्ण, स्वर्ण का होता है 5% टॉलरेंस, चांदी का 10%, तो आ जाएगी फाइनल वैल्यू ये हो जाएगा 2.2 10 की पावर 3 5% टॉलरेंस। इसलिए इसका कोई विकल्प मैच नहीं करता, लेकिन आंसर में इसका बी दिया है, ये हो जाएगा 2.2 के 5% टॉलरेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में दिखाए गए परिपथ को क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे हम कॉमन एमिटर, इसे कहेंगे हम कॉमन एमिटर, यानी कि सी कॉमन एमिटर, इसे कहेंगे कॉमन एमिटर, क्योंकि इसको हम कामन करके रखते हैं, कामन एमिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में 4 प्रतीक हैं, इनको पहचानना है। पहला तो क्या है हमारा, ये कैपेसिटर हो गया। दूसरा क्या है, ये माइक्रोफोन हो गया। तीसरा क्या है, ये पोटेंशियोमीटर हो गया। चौथा क्या हो गया, इलेक्ट्रो लाइटिंग। इस प्रकार से चारों, तो इसमें डी में प्रतिरोध है, ये माइक्रोफोन है, पोटेंशियोमीटर अपघटन, यानी इसका विकल्प नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीआरओ का फुल फॉर्म क्या है? सीआरओ का फुल फॉर्म क्या है? सीआरओ का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, यानी विकल्प नंबर बी, कैथोड किरण दोलनदर्शी। क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस विन्यास का उपयोग किया जाता है? हम करते हैं कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर में, क्योंकि इसका वोल्टेज हाई होता है एंड करंट हाई होता है, तो P बराबर होता है VI, इसलिए इसकी पावर ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी पावर ज़्यादा होती है। इसमें उपयोग करते हैं CC का, इसमें उपयोग करते हैं सी कॉमन एमीटर का, किसका, कॉमन एमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रवर्धकों को शोपानी कहते हैं, व्हेन एम्पलीफायर द कैस्केड, कैस्केड जब करते हैं तो क्या होता है, उसका ऑल ओवर गेन बढ़ जाता है, क्या होता है उसका ऑल ओवर गेन इनक्रीज,
यानी विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, क्लास सी का इस्तेमाल होता है किसमें? आरएफ प्रवर्धकों में क्लास सी का उपयोग करते हैं हम, आरएफ प्रवर्धकों में। किस रूप में वर्ग सी प्रवर्धकों का इस्तेमाल होता है? आरएफ एम्पलीफायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन में दाब कर्षण परिपथ का प्रयोग होता है। द पुष्पल सर्किट यूज ऑपरेशन, ये होता है बी, क्लास बी, क्लास बी के एम्पलीफायरों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रवर्धकों में आमतौर पर ट्रांसफार्मर युग्मन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर युग्मन प्रदान करता है क्या? एम्पीडेंस मैचिंग, क्या प्रदान करता है? एम्पीडेंस मैचिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग में एम्पीडेंस मैचिंग के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक लोड का प्रतिबाधा एम्पलीफायर के प्रतिबाधा से मेल करता है तो क्या होता है? अधिकतम शक्ति ट्रांसफर होती है। लोड को अधिकतम विद्युत अंतरण दिया जा सके, क्यों होता है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू बी लोड, यानी विकल्प नंबर ए। आर इंटरनल बराबर होता है आर एट के, फोर्स कल इंटरनल प्रतिरोध आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बराबर होता है आर एल के, लोड के, तो अधिकतम शक्ति ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्थायी चुंबक चल कुंडली मापन माप यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है किसमें? केवल डीसी में, डीसी वर्क ओनली, डीसी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डीसी प्रतिरोध का मापन करता है? मैक्सवेल ब्रिज ये क्यू का मापन करेगा, हे ब्रिज एसी का, होइनस्टीन ब्रिज ये करेगा डीसी का, और शेयरिंग ब्रिज कैपेसिटर का। तो इसमें कौन सा सही है? सही है केवल होइनस्टीन ब्रिज, 53 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिपथ जो उच्च निर्गम का उत्पादन करता है जब इसके सभी निवेश उच्च रहें, तो ये है एंड गेट, एंड गेट की ट्रुथ टेबल। ए बी बराबर ए बी, 0-0 पे 0, 0-1 पे 0, 1-0 पे 0, 1-1 पे 1, यानी ये कंडीशन सर्टिफाई एंड गेट, क्या है? एंड गेट। नेक्स्ट, TTL के लिए लॉजिक वन स्वीकार के परास क्या है? इसका विकल्प नंबर ए सही है, 2-5 वोल्ट के बीच, TTL का 2-5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के सभी अंकगणितीय संक्रियाएं किसमें होती है? ALU में, किसमें? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुंज स्मृति युक्ति की श्रेणी जो विनिविष्ट प्रतिलेपित डिस्क पर लेजर बीम का प्रयोग किया कर लिखा या पढ़ा जाता है। तो ये किसका ऑप्टिकल डिस्क पे, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग मेमोरी पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, एक आईसी जो अतुल्यकालिक प्रारूप में समांतर डाटा को क्रमिक से तथा इसके विपरीत में रूपांतरण कर देता है। एन आई सी दैट ट्रांसफर पैरेलल डाटा टू सीरियल इन द सिंक्रोनाइज फॉर्मेट हुआ या वाइस वर्सा, ये होता है कौन, यू आर टी होता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल असिंक्रोनाइजेशन रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में पाठ संपादकों एवं फॉर्मेटों को जाना जाता है। टेक्स्ट एडिटर एंड फॉर्मेट्स बिलोंग टू द एरिया ऑफ कंप्यूटिंग नोन एज वर्ड प्रोसेसिंग, नोन एज वर्ड प्रोसेसिंग। इस प्रकार से ये पेपर समाप्त होता है। अब मैं नेक्स्ट पेपर इसी का नेक्स्ट ईयर का लेके आऊँगा। आप देख रहे थे अभी तक इलेक्ट्रोमैकेनिक अड्डा, जिसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें क्योंकि इसमें आपके सीखने के लिए बहुत कुछ है। लेके आता हूँ मैं नेक्स्ट तब तक के लिए नमस्कार।